नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई इक्विटी स्कूल, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिगनर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम आ सकता है। पहले हम बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या हुआ निफ्टी में। निफ्टी गैप अप ओपन हो गए, वो गैप अप को सस्टेन किया और 17,745 का हाई बना के वहाँ से नीचे गिरा मार्केट। तो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल 17,750 का है। जैसे मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि 17,750 को क्रॉस करके अगर होल्ड करता है तो बाइंग करनी चाहिए, तब तक आप शॉर्ट्स होल्ड कर सकते हो। अगर जिनके पास भी निफ्टी के शॉर्ट्स फ्यूचर्स में किए, उन्होंने बाई फ्यूचर्स में शॉर्ट किया अगर, तो वो होल्ड कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि 17,750 का ऐसे लगा के आप होल्ड कर सकते हो। अभी तक ट्रिगर भी नहीं आज के दिन 17,745 के नीचे से निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो कल के दिन भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट ही रहे ट्यूसडे के दिन, या कल तीन दिन में नीचे भी आ सकता है मार्केट। तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है वो होल्ड कर सकते हो। आपको जब 17,750 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन हो क्लोजिंग बेसिस में, तभी आपको बाय करना चाहिए 17,900 के लेवल्स में। अगर हम एक दो दिन की बात करें तो कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट और ऐसे नीचे भी गिर सकता है, एक शॉर्ट पोजीशन भी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन तो सिर्फ 33 पॉइंट्स नीचे गिरा था और मंडे के दिन 150 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो ये केस में जो भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो ट्रेड ना करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है। आज के दिन 150 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो ट्यूसडे के दिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 100-200 पॉइंट्स नीचे के क्लोजिंग भी हो जाए नीचे भी। तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है ये। वॉलेटाइल मार्केट जब भी ऐसा होता है तो ट्रेड ना करें और स्टॉक स्पेसिफिक रहे, कोई इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए कोई स्टॉक्स चूज़ करके उसमें इन्वेस्टिंग करें मंथली बेसिस में और 2-3 महीने के टाइम फ्रेम रख के। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी तकरीबन 1% ऊपर जाके क्लोज हुआ है 353 पॉइंट्स ऊपर 37,579 के लेवल्स में। बैंक निफ्टी में भी 37,500 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो अच्छी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के देखा जाए तो। आज के दिन SBI बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बैंकिंग सेक्टर में, तो इसके साथ बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया है। तो ट्यूसडे के दिन आप होल्ड कीजिए, कोई राय नहीं रहेगी कि आपको शॉर्ट करना चाहिए या बाय करना चाहिए ये लेवल्स पे। आप होल्ड कर सकते हैं 37,300, ये लेवल्स अगर तोड़ता है कल के दिन 200 पॉइंट्स गैप डाउन ऊपर होता है तो शॉर्ट करना चाहिए और इस पोजीशंस लॉन्ग भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर से गिर भी सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। अगर हम देखेंगे तो मॉर्निंग के टाइम SGX निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा था, ओनली मार्जिन 20-25 पॉइंट्स ऊपर था, फिर भी निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप का ओपनिंग दिया, तो इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में। इसीलिए यहाँ पर ना आप ट्रेड नहीं करेंगे तो ये अच्छा है, कोई इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट्स हो सकता है। जो भी रिस्क ले सकते हैं वो अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग करने की राय नहीं रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पर अगर शॉर्ट जैसे मार्केट गिरता है तो 1,000-2,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गिर सकता है 2-3 दिन में, तो इसीलिए लॉन्ग करने की राय नहीं रहेगी। अगर रिस्क ले सकते तो शॉर्ट कर सकते हैं, और जो रिस्क टेकर्स नहीं है वो ना लॉन्ग करे ना शॉर्ट करे, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए स्टॉक्स ढूंढे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।